से छोड़े वो हाइट पे वापिस आ जाता, नो मैटर हाउ द शेप ऑफ दैट सरफेस इज। अगर वो सरफेस ऐसा हॉरिजॉन्टल कर दिया है तो वो कभी भी अपने ओरिजिनल हाइट पे नहीं आता और वो इट विल कंटिन्यू टू कीप मूविंग। समझ गए? सो इट प्रूव दैट इफ अनलेस और अदरवाइज एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, नेट एक्सटर्नल फोर्स इंपॉर्टेंट है, क्या है नेट एक्सटर्नल फोर्स रहना, समझे? फोर्सेस लग रहे हैं मगर नेट फोर्स जीरो लग रहा है, अभी तो जीरो ही लेते फोर्स, तो क्या होता है, इट विल मेंटेन इट्स कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। सेकेंड लॉ क्या था, फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो क्या था वो, एफ बार इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज, हमेशा डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी निकालना। समझ गए? रेट ऑफ चेंज कैसा निकालते, हमेशा डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी निकालते। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता, डेरिवेटिव ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो डी पी बाई डी टी होता। तो यहाँ पे लिख दिया एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। समझ गए? तो मोमेंटम पी इज इक्वल टू क्या है, एम वी। मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम वी, तो अगर मैं पी की जगह एम वी सब्सटीट्यूट कर दिया तो क्या आता वहां पे, एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। कैसा आया ये, प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल। एफ इज इक्वल टू यू वी था, एफ इज इक्वल टू यू वी था, तो क्या है एफ का डेरिवेटिव, क्या होता एफ का डेरिवेटिव, यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। समझ गए? तो यहाँ पे एम और वी है तो क्या आता, एम इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ एम। अच्छा, अगर मास कांस्टेंट है तो ये सेकेंड टर्म जीरो हो जाता, मास कांस्टेंट है तो सेकेंड टर्म क्या होता, जीरो। अगर एम कांस्टेंट है, देखो अम्मा इधर, अगर m कांस्टेंट है यहाँ पे, अगर m m कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव क्या होता, डेरिवेटिव क्या होता, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता, जीरो होता। तो ये क्या था, dm by dt, क्या था dm by dt, क्या था dm by dt, क्या था जीरो आता ना dm by dt। तो डीएम बाई डी टी जीरो आता, इसका मतलब क्या, ये इक्वेशन थोड़ा छोटा हो जाता, बट दैट हैपेंस ओनली फॉर बॉडीज हुज मास इज नॉट चेंजिंग। मास अगर चेंज हो रही कोई चीज की तो वो भी कंसीडर करना पड़ता, बट फर्स्ट वी विल स्टडी बॉडीज विच हैव कांस्टेंट मास, लाइक ब्लॉक्स या जो भी है रिजिड बॉडीज है, उन लोगों को स्टडी करेंगे हम। तो क्या हो जाता इक्वेशन, एफ इज इक्वल टू एम इन टू डी वी बाई डी टी हो जाता। But what is dv by dt? Everybody knows, right? What dv by dt is? Acceleration है. Rate of change of velocity क्या होता? Acceleration होता. तो f is equal to क्या हो जाता? ma. F is equal to ma. तो what is a equal to? F by m. तो for a given mass, acceleration is proportional to force and inversely proportional to mass. समझ गए? तो द फर्स्ट लॉ इज एक्चुअली ए स्पेशल केस ऑफ सेकेंड लॉ, वो भी देखे थे हम लोग लास्ट क्लास में, ठीक है? बिकॉज एफ इज इक्वल टू एम ए, समझ गए? बिकॉज एफ इज इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए। स्प्रे है किसी के पास, सैनिटाइजर, सैनिटाइजर हाँ, तो थोड़ा इसमें डाल दो हम, बस बस बस। हाँ ठीक है, समझ में आई बात, एफ इज इक्वल टू एम ए है, अगर एफ जीरो हुआ तो ए भी जीरो होना, एफ जीरो हुआ तो कोई बॉडी पे, कोई बॉडी पे अगर एफ जीरो हुआ, अगर एफ जीरो हो गया तो ए भी जीरो होना। ए जीरो कब होता,
जब डीवी बाई डी टी जीरो होता, डीवी बाई डी टी जीरो कब होता, जब वी कॉन्स्टेंट, वी कॉन्स्टेंट, जीरो रहना जरूरी नहीं है, कॉन्स्टेंट हो सकता, मतलब वी जीरो भी हो सकता, फाइव भी हो सकता, टेन भी हो सकता, हंड्रेड भी हो सकता, माइनस ट्वेंटी भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, मगर इसकी वैल्यू क्या रहना, कॉन्स्टेंट रहना। इसका मतलब क्या, इफ एफ इज जीरो वी इज कॉन्स्टेंट, बट वो कहाँ से आया हमको, सेकेंड लॉ से आया, तो फर्स्ट लॉ इज एक्चुअली है स्पेशल केस ऑफ सेकेंड, फर्स्ट लॉ इज एक्चुअली है स्पेशल केस ऑफ सेकेंड लॉ। और थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, समझ गए। तो ये तीन लॉस यूज करके सारे प्रॉब्लम्स करते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोग करते, ठीक है, समझ में आया। ओके, नाउ यूजिंग यूजिंग दिस थ्री लॉस वी विल फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ बॉडीज, वी विल फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ बॉडीज। काइनेमेटिक्स में क्या था, एक्सेलरेशन दे दिया था, he gives you acceleration in the question and he asks you various questions, so there we are not finding acceleration, acceleration is given there, so that branch of physics is called kinematics, but the branch of physics in which we find acceleration and then we find other things is called dynamics, we find we call it dynamics, samajh mein aaya, acha theek hai। abhi for example sabse pehle hum log ek freely falling body dekhenge, kya dekhenge, freely falling body, freely falling body is under the influence of what, gravity, so let us look at freely falling body, so freely falling body ko agar dekhe aap, so suppose that freely falling body is in air or in space near the surface of earth, what it will do, it will fall with 9.8 meters per second square, or it will fall with g, it will fall with g, matlab g se accelerate hoke niche aata ho, ye general knowledge hai, actually gravitation mein hum log dekhenge why constant acceleration se aata, wo kaun se chapter mein dekhenge, gravitation mein, wo baad mein aata, but generally sabko malum hai school mein ki everything falls with g, samajh gaye। to iska agar mass m hai, iska mass kya hai, m hai, aur ye g se niche gir raha, so that means some force is acting na, some force is acting on it, kaun se direction mein, g ke direction mein some force is acting, but newton second law kya bolta, f is equal to m a bolta, theek hai, iska a kya hai, g hai, to f is equal to kya aata, m g aata, theek hai, f is equal to mg, aur who is exerting this force, this force is exerted by the gravitational pull of earth, gravitational pull of earth, samajh gaye, to what is therefore conclusion kya hai, therefore any body of mass m close to the surface of earth, close to the, ek minute, online sunai de raha ma, yes sir, any body close to the, any body of mass m close to the, close to the surface of earth, experiences a gravitational force of, kitna, mg, gravitational force of mg, koi bhi mass hai close to the surface of earth, close to the surface of earth kyun, earth se agar kafi dur leke chale gaye, mars ke paas leke chale gaye ya moon ke paas leke chale gaye, तो उतना फोर्स नहीं लगता जितना सरफेस पे रहता, और आई एम गिविंग यू सम नंबर हियर, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, और 6400,000 मीटर्स, नो कंपेयर टू दिस रेडियस, अगर अगर ये रेडियस के कंपैरिजन में अगर हाइट कम है,
like 10 kilometers bhi hai, so that is close to the surface of earth only. That is close to the surface of earth only. But agar aisi height pe le gaye aap, like 6400 kilometer ki height pe leke chale gaye, wahan pe force mg nahi rehta, wahan pe force kam rehta. Kitna rehta hum log wo gravitation mein dekhenge, theek hai, jab universal law of gravitation padhte jab dekhenge. Par close to the surface of earth hamesha kitna rehta, mg rehta, samajh gaye? Example, a man of 80 kg experiences a gravitational force of how much mg na, so let us calculate it. M kitna hai? 80 kg. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 ले सकते हैं या कभी 10 ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम. मैं यहाँ पे 10 ले ले रहा हूँ, तो क्या आता आपको, कितना आया? 800 न्यूटन्स, 800 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता, बट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते. क्या बोलते? न्यूटन. सो एफ इज इक्वल टू 800 न्यूटन. अच्छा, जब न्यूटन शॉर्टकट में लिखते हैं कैपिटल एन लिखना, और जब न्यूटन पूरा एन ई डब्ल्यू टी ओ एन लिखते हैं, जब एन स्मॉल स्मॉल लेटर से लिखना. ठीक है, समझ में आई बात? नाउ सपोज देर इज अ ब्लॉक ऑफ, सपोज देर इज अ ब्लॉक ऑफ 5 केजी, इट एक्सपीरियंसेस हाउ मच? आप लोग डायरेक्टली बोलो, ए ब्लॉक ऑफ 5 केजी एक्सपीरियंसेस 50 न्यूटन. समझ गए? एंड ऑल दीज फोर्सेस आर व्हाट? वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ये सारे फोर्सेस, ऑल ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर, और ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं या पुल भी बोल सकते, इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. डू यू अग्री? क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम है ना. देखो यहां पे, देखो यहां पे, देखो एफ इज इक्वल टू एम ए. तो देखो एम तो स्केलर है, ये क्या है? स्केलर है, एम स्केलर है ना. तो अगर वेक्टर को स्केलर मल्टीप्लाई करे तो क्या होता? वेक्टर को स्केलर मल्टीप्लाई करे तो क्या आता? वेक्टर ही आता. ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है. और अगर वो स्केलर पॉजिटिव है तो रिजल्टेंट वेक्टर सेम डायरेक्शन में रहता, अगर वो स्केलर नेगेटिव है तो रिजल्टेंट वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता. वेक्टर्स में देखे थे ना, वेक्टर्स में देखे थे. समझ में आई बात? क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट. सपोज आई हैव ए ब्लॉक, ये ब्लॉक है, इसका मास m है, इसका मास क्या है? m. इसका मास m है. सपोज इट इज इन एयर इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ mg डाउनवर्ड्स. समझ गए? mg downwards. समझ में आई ना बात? mg downwards, ठीक है. अच्छा, तो अगर इसका कोई रोकने वाला नहीं है, सपोज दिस इज इन एयर, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है, तो इस पे mg downward आएगा फोर्स. इसको कोई रोकने वाला नहीं है तो ये नीचे गिरेगा ना, नीचे एक्सेलरेट करके गिरेगा. तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस? एफ इज इक्वल टू एम ए ना, एफ इक्वल्स टू एम ए. पर ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा? एम जी एक्सपीरियंस कर रहा. तो इम्प्लाइज इसका ए क्या रहता? जी रहता. तो ए का डायरेक्शन और जी का डायरेक्शन सेम रहता, एक्चुअली उल्टा कर रहे,
इसी से उधर आए थे, उधर से उल्टा आ रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। हाँ, बट सपोज दिस सेम ब्लॉक इज केप्ट ऑन ए सरफेस, सपोज दिस सेम ब्लॉक इज केप्ट ऑन ए सरफेस, मतलब ये कोई सरफेस पे रखे हैं, समझ गए, ये फिक्स सरफेस पे रखे हैं। अच्छा, ये फिक्स सरफेस का डायरेक्शन क्या है, देखो हॉरिजॉन्टल है। ये सपोज कोई हॉरिजॉन्टल फिक्स सरफेस पे रख दिया आपने, क्या रख दिया, ये ब्लॉक, इसका मास क्या है, इसका मास है m, ये क्या सरफेस के अंदर जाता नहीं ना, ये रिजिड सरफेस है, तो सरफेस पे रुक के रहता, ये क्या रहता, सरफेस पे रुक के रहता, मतलब इसका 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 वेलोसिटी जीरो रहता, मतलब रेस्ट पे रहता है, वेलोसिटी जीरो रहता, टाइम के साथ भी वेलोसिटी जीरो ही रहता, चेंज होता नहीं, हमेशा जीरो रहता, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा तो इसका एक्सेलरेशन भी जीरो, इसका एक्सेलरेशन भी जीरो रहता, जीरो रहता नहीं रहता। अच्छा, तो इस पे एक फोर्स तो नीचे ऐड कर रहा, कितना ऐड कर रहा, बोलो, हाँ मतलब बोलो बोलो क्या है फोर्स ऐड कर रहा है इस पे, बोलो नाम, बोलो उसका, उसका टर्म बोलो क्या है, एम जी, एम जी नीचे ऐड कर रहा नहीं कर रहा, एम जी नीचे ऐड कर रहा और ऊपर की तरफ कितना ऐड करता, नॉर्मल रिएक्शन ऐड कर रहा, क्योंकि हर हर सरफेस जो है ना नॉर्मल रिएक्शन लगा था कोई भी बॉडी को उस पे, तो ऊपर कितना ऐड कर रहा फोर्स, एन ऐड कर रहा, तो दूसरा कलर लेंगे, ठहरो, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऐड कर रहा। अच्छा, और कोई फोर्स ऐड कर रहा वर्टिकल डायरेक्शन में इस पे, और कोई फोर्स ऐड कर रहा वर्टिकल डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन और वेट के अलावा और कोई वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स ऐड कर रहा, फ्रिक्शन हमेशा अलोंग द सरफेस रहता, याद रखो, फ्रिक्शन इज ऑलवेज अलोंग द सरफेस, मतलब वो 90 डिग्रीज रहता नॉर्मल के, तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहता फ्रिक्शन, रहा भी तो नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं रहता फ्रिक्शन, कभी भी फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में रहता, अलोंग द सरफेस रहता, सो फ्रिक्शन कैन नॉट एक्ट इन द नॉर्मल डायरेक्शन, तो इसी पे दो ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं, बट इसका एक्सेलरेशन जीरो है, इट्स एट रेस्ट, इट्स एट रेस्ट, दैट मींस वेलोसिटी इज जीरो एंड डजंट चेंज विद टाइम, एंड डजंट चेंज विद, डजंट चेंज विद टाइम, अगर वेलोसिटी डजंट चेंज विद टाइम देन एक्सेलरेशन इज, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज ऑल्सो जीरो, एक्सेलरेशन जीरो क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, समझ गए, इसका एक्सेलरेशन जीरो है, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता, एफ नेट क्या होता, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, समझ गए, ए जीरो है, ए क्या है, जीरो है, तो एफ नेट भी जीरो रहना, तो यहां पे लिख रहा हूं, देखो ए इज जीरो, ए इज जीरो इंप्लाइज एफ नेट मस्ट बी जीरो, और एफ वेक्टर है मां, तो वेक्टर को वेक्टर के जैसा ऐड करना, तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर ऐड कर रहा है, एमजी नीचे ऐड कर रहा ना, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर ऐड कर रहा, एमजी नीचे ऐड कर रहा, तो नेट फोर्स क्या रहता, देखो नेट फोर्स, हाउ जी नेट फोर्स जीरो है, मगर नेट फोर्स क्या रहता, एन माइनस एमजी, एन ऊपर ऐड कर रहा, एमजी नीचे ऐड कर रहा, इज इक्वल टू एफ नेट इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे बार लगाना, मगर यहाँ पे सिर्फ स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड देख रहे, तो मैं निकाल लिया, तो n मस्ट बी इक्वल टू mg, समझ गए, तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन एनी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, क्या है जी कंक्लूजन, बोलो आप लोग बोलो, बोलो, नो 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 नो, कंक्लूजन आप लोग बोलो, एनी ऑब्जेक्ट
ऑफ मास एम केप्ट ऑन ए कौन सा जी सरफेस. वेरी गुड. हॉरिजॉन्टल बहुत इंपॉर्टेंट है. हॉरिजॉन्टल सरफेस एक्सपीरियंसेस है नॉर्मल. नहीं 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 एक्सपीरियंसेस है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ एन इज इक्वल टू एम जी. क्या मां मैं नोट दे देता हूँ, टेंशन मत लो, खाली सुनो और इंपॉर्टेंट चीजें लिखो. ईच एंड एवरी सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, समझ में आई बात? आई नहीं आई? अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल नहीं है, अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल नहीं है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल कर रहा सरफेस, समझ गए, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल कर रहा, अगर उस पर रखे सेम ब्लॉक, समझ गए, और फ्रिक्शनलेस है, ये क्या है, फ्रिक्शनलेस ब्लॉक, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, समझ गए. तो फ्रिक्शनलेस को कैसा लिखते हैं बुक्स में, कैसा रहता फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस है बोल के कैसा मालूम होता? फ्रिक्शनलेस बोल के दो तरीकों से मालूम होता, या तो स्मूथ बोल के लिखता, स्मूथ मतलब समझ जाओ फ्रिक्शन इज जीरो, और ऐसा भी लिखता कभी म्यू इक्वल्स टू जीरो लिखता. म्यू को क्या बोलते हैं, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, मैं बाद में समझाता हूँ जब फ्रिक्शन आता. तो ये दो तरीकों से लिखता, स्मूथ तो लिखता या नहीं तो म्यू इज इक्वल टू जीरो लिखता, समझ गए. ये दो चीजें लिखे तो आप समझ जाना के क्या फ्रिक्शनलेस है सरफेस. ठीक है, अब इसका मास एम है, इसका मास क्या है, एम है. किसका मास एम है, ब्लॉक का मास एम है. एम जी तो हमेशा वर्टिकली डाउन ही रहता ना, तो एम जी लिख लेंगे हम लोग, एम जी का वो लिख लेंगे. तो एम जी इधर मैं लिख लिया, ये एम जी है, एम जी किधर ऐड कर रहा है, वर्टिकली डाउन. इसका मास एम है ना, तो इस पे एम जी नीचे ऐड कर रहा, इस पे एम जी ऐड कर रहा. अब देखो नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मली रह सकता सरफेस से, नॉर्मल रिएक्शन क्या रह सकता, नॉर्मली रह सकता, अलोंग द सरफेस कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल टू द सरफेस ही रहता. तो अब एम जी के दो कॉम्पोनेंट्स निकालना है, एक अलोंग द नॉर्मल, एक अलोंग द सरफेस, एक अलोंग द नॉर्मल और एक अलोंग द सरफेस. अलोंग द नॉर्मल क्या होता देखेंगे, अलोंग द नॉर्मल ये होता, समझ गए, ये कॉम्पोनेंट होता. अलोंग द सरफेस क्या होता, ये होता, अलोंग द सरफेस ये होता. देखो देखो ये दोनों कॉम्पोनेंट्स है एमजी के, कैसा मालूम कॉम्पोनेंट्स है, ये दो वेक्टर्स को ऐड करे तो ये व्हाइट कलर का वेक्टर आता, समझ गए, ये दो वेक्टर्स को ऐड करे तो ये व्हाइट कलर का वेक्टर आता. देखो होना है तो पैरेललोग्राम लॉ यूज करो, मैं वेक्टर्स को स्लाइड कर सकता हूँ ना. देखो ये इधर डुप्लीकेट करके इधर लिख दे सकते, समझ गए, इसको डुप्लीकेट करके इधर लिख दे सकते, समझ गए. तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट रहता उधर आता, समझ गए, इधर आता रिजल्टेंट, समझ गए. तो ये व्हाइट कलर का एम जी है ना, व्हाइट कलर का क्या है, एम जी है. अच्छा अगर ये एंगल थीटा रहा तो ये एंगल भी थीटा रहता, कौन सा, ये एंगल भी थीटा रहता, समझ गए, कैसा मालूम, ये कैसा मालूम बोले तो देखो ये इससे परपेंडिकुलर है और ये इससे परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल थीटा रहता, समझ गए. और वेक्टर के कॉम्पोनेंट जब निकालते हैं, जो थीटा के साथ रहता वो एम जी कॉस थीटा रहता, और जो थीटा के साथ नहीं रहता वो क्या रहता, एम जी साइन थीटा रहता, समझ गए. एम जी कॉस थीटा को कौन नलीफाई करते,
mg cos theta को कौन कैंसिल करते बोलो, नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल करता, नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल करता mg cos theta को, क्यों कैंसिल करता? क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर वो सरफेस को दबा रहा है mg से, तो सरफेस भी ब्लॉक को mg से दबाता, समझ गए? तो n एंड mg, सो n इज द रिएक्शन जनरेटेड ड्यू टू mg cos theta, समझ गए? n रिएक्शन है, तो n इज इक्वल टू mg, n इज इक्वल टू mg। आपको कैसे मालूम कि n इक्वल टू mg है? दो तरीके से बोल सकते हैं, एक न्यूटन का लॉ है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेकंड वे ऑफ थिंकिंग इज, इफ यू लुक इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ब्लॉक इज नॉट मूविंग ना, सरफेस के अंदर नहीं जा रहा और सरफेस से ऊपर भी नहीं हट रहा, सरफेस के अलोंग जा रहा। हाँ, तो नेट फोर्स जीरो रहना ना, अलोंग द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उस डायरेक्शन में, अगर ये डायरेक्शन में देखे आप, तो ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, तो नेट फोर्स जीरो रहना ना, उधर वेलोसिटी जीरो है उस डायरेक्शन में, और टाइम के साथ चेंज नहीं होती उस डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो नेट फोर्स जीरो है, तो उस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो रहना, मतलब n माइनस mg जीरो रहना, तो n इज इक्वल टू mg आ जाता, समझ गए? ओके, और क्या है अनबैलेंस फोर्स, क्या है यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स इज mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, एंड दिस mg साइन थीटा इज इन विच डायरेक्शन, mg sin theta is, देखो देखो mg sin theta, देखो वहां पे किधर है, नीचे है, तो उसको क्या बोलते हैं, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, mg sin theta is डाउन द इंक्लाइंड प्लेन and is unbalanced, and is unbalanced, reason no force is present to oppose mg sin theta, agar friction rehta to maybe oppose kar sakta tha, aur friction nahi hai na, तो अपोज नहीं करता, तो द नेट अनबैलेंस फोर्स क्या है, देयरफॉर द नेट अनबैलेंस फोर्स ऑन द ब्लॉक इज mg sin theta डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या क्या लिख सकते, एफ इज इक्वल टू एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, तो क्या हो जाता, एफ नेट क्या है, एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए, तो ए इक्वल टू क्या होता, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा डाउन द इंक्लाइंड, समझ गए? इसका डायरेक्शन क्या है, क्या है इसका डायरेक्शन, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, समझ गए? देखो अगर एफ डाउन द इंक्लाइंड प्लेन है तो ए भी तो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन रहना, समझ गए? समझ में आई बात, क्लियर? तो कंक्लूजन क्या है अम्मा, कंक्लूजन बोलो, क्या है कंक्लूजन, क्या है बोलो, इफ इफ ए ब्लॉक ऑफ मास
is kept on the smooth in kept on the kept on a smooth inclined plane of inclination theta the normal reaction is it experiences is bolo amma jaldi mg cos theta और सेकेंड थिंग बोलो इट्स नेट एक्सेलरेशन इज ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा डायरेक्शन क्या है उसका डाउन द इंक्लाइन प्लेन समझ में आया क्लियर अब देखेंगे एक्सट्रीम कंडीशन देखेंगे थीटा जीरो हो गया तो क्या होता इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो तो क्या हो जाता इट्स एक्चुअली हॉरिजॉन्टल प्लेन एन क्या हो जाता n इज इक्वल टू एम जी कॉस 90 डिग्रीज विच इज एम जी एज एक्सपेक्टेड एम जी चाहता ना हाँ तो मतलब हॉरिजॉन्टल पे एम जी था ना वही आया ना और ए क्या आता भाई बोलो ए इज इक्वल टू जी साइन अरे साइन 90 क्यों लिखा है वहां पे साइन जीरो लिखना कॉस जीरो डिग्रीज और यहाँ पे साइन अरे जीरो इज जी थीटा जीरो है तो क्या आता जीरो आता ठीक है यही है ना अगर हॉरिजॉन्टल पे रखे तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आता एम जी आता और एक्सेलरेशन क्या आता जीरो ठहर के रहता खामोश समझ गए अच्छा नेक्स्ट केस इफ थीटा इज 90 डिग्रीज यहां पे जीरो डिग्रीज लिख देंगे हाँ बोलो इफ थीटा इज 90 डिग्रीज तो कौन सा सरफेस होता बोलो इट्स इट्स अ वर्टिकल सरफेस लाइक ए वॉल ओके वॉल है समझ गए तो उसमें क्या होता बोलो एन साइन थीटा क्या होता सॉरी एन इज इक्वल टू क्या होता एम जी कॉस 90 डिग्रीज क्या होता जीरो और ए क्या होता क्या मां बोलो समझ गए देख लो होना है तो मैं बताता हूं आपको एक मिनट लास्ट वाला क्या है बोलो नहीं नहीं थीटा था वो थीटा जनरल थीटा था तो देखो ये डायग्राम ऐसा आता मैं देखो इधर जो है ना वॉल है कुछ ऐसा ठीक है वॉल कुछ नॉर्मल रिएक्शन करता इस पे नहीं करता मतलब इन दबाता ना वॉल को दबाता नहीं और वॉल इसको दबाता नहीं तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो आता इसका तो इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या आता जीरो आता और इसका एक्सेलरेशन क्या आता जी आता क्योंकि नीचे गिर जाता फ्रीली फॉलिंग बॉडी के जैसा बराबर ना
क्लियर। अच्छा एक और केस ले लो, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, देन बोलो जल्दी बोलो। नॉर्मल रिएक्शन क्या आता बोलो भाई जल्दी। एम जी तो क्या आता, √3/2 एम जी आता राइट। क्लियर। और एक्सेलरेशन क्या आता बोलो, जी साइन हाफ जी और जी बाई टू आता, समझ गए। क्लियर, समझ में आया जी। क्लियर क्या मां, कुछ डाउट है? हाँ कौन सा प्लेन रहता, सरफेस प्लेन ही रहना हमेशा, हॉरिजॉन्टल नहीं रहता अम्मा, थीटा जीरो रहे तो हॉरिजॉन्टल रहता, इंक्लाइन प्लेन रहता। हाँ सेम ऐसी ही रहता, ऐसे ही रहता, देखो ऐसे ही रहता, वहाँ थीटा के बदले 30 आता, हॉरिजॉन्टल होता, 90 हो गया तो वर्टिकल रहता, बराबर ना। क्लियर, डायग्राम सेम ऐसे ही आता उसका एग्जैक्टली, समझ में आया। क्लियर, देखो भाई नॉर्मल रिएक्शन का तो आइडिया आ गया अब आप लोगों को, क्या है नॉर्मल रिएक्शन, समझ गए। ठीक है, अब सपोज ये ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है, मगर मेरे को कोई सरफेस पे नहीं रखना है, हवा में रेस्ट पे रखने का है, कहाँ पे रेस्ट पे रखने का है, हवा में। तो एक ऑप्शन और एक है, क्या है, आई कैन टाई दिस और हैंग दिस ब्लॉक फ्रॉम ए रिजिड सरफेस। ये रिजिड सरफेस है, रिजिड सरफेस बोले तो क्या, फिक्स सरफेस, ठीक है फिक्स सरफेस लिख देंगे, क्या है ये फिक्स सरफेस, नहीं हॉरिजॉन्टल नहीं, कौन सा भी फिक्स पॉइंट, हॉरिजॉन्टल रहने की क्या जरूरत है, टेढ़ा भी रहा तो चलता, समझ गए। हाँ ठीक है, अभी ये हैंग कर रहा ना, नीचे आ रहा ऊपर जा रहा नहीं, तो ये क्या है, ये जो हैंग करे किससे हैंग करे, स्ट्रिंग से हैंग करे ना, मगर वो स्ट्रिंग क्या रहे ना, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग रहना, इन एक्सटेंसिबल बोले तो क्या, हाँ नीचे लटका है तो नीचे नहीं जाना, वो मतलब उसका लेंथ कांस्टेंट रहना, समझ गए, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग रहना। तो क्या होता अगर उन बेर कर सका, वेट बेर कर सका बोले तो, अगर उसमें स्ट्रेंथ है बेर करने की, अगर टूट रहा नहीं वो, तो ब्लॉक जो है ना हवा में रह जाता। अब ये ब्लॉक पे कितना फोर्स ऐड कर रहा नीचे बोलो, mg ऐड कर रहा, वो तो हमेशा करता क्लोज टू द सर्फेस ऑफ अर्थ, तो ऊपर क्या ऐड करना, ऊपर भी mg ऐड करना, मगर जो थ्रेड जो फोर्स लगा रहा ब्लॉक पे, दैट इज नॉट ए नॉर्मल रिएक्शन ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि ढकेल रहा नहीं, स्ट्रिंग जो है ना पुश नहीं कर रहा ब्लॉक को, अब क्या कर रहा, पुल कर रहा, जो पुश कर रहा जो फोर्स उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, बट जो पुल कर रहा ना उसको बोलते हैं टेंशन, याद रखो क्या बोलते हैं, टेंशन। तो यह जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग में टेंशन रहता, टेंशन, तो टेंशन कितना रहता, हाँ और एक बात, हाँ जितना नीचे है उतना ऊपर टेंशन रहना, और टेंशन का सिंबल हमेशा कैसा रहता, ऐसा रहता, कैसा रहता, दो एरोस एक दूसरे को पॉइंट करना, ठीक है, तो इस ये टेंशन का सिंबल है, टेंशन का सिंबल, तो दो एरोस एक दूसरे को पॉइंट करना, मतलब बोथ एरोस शुड पॉइंट टुवर्ड्स ईच अदर, दैट इज द सिंबल ऑफ टेंशन। नॉर्मल रिएक्शन का सिंबल कैसा रहता मालूम, दो एरोस
एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में रहना नॉर्मल रिएक्शन का, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ, देखो सपोज ये कोई सरफेस पे है, यहाँ पे समझ गए, ये कोई सरफेस पे है, ब्लॉक जो है ना कोई सरफेस पे है, तो ये दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन का सिंबल अगर ड्रॉ करना है तो ऊपर एक एरो डालना, नीचे एक एरो डालना, ये नॉर्मल रिएक्शन का सिंबल है। क्यों? क्योंकि सरफेस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लगा रहा फोर्स और ब्लॉक सरफेस पे नीचे की तरफ लगा रहा, तो नॉर्मल रिएक्शन का क्या, नॉर्मल रिएक्शन का सिंबल ऐसा रहता, कैसा, दो एरोस ऑपोजिट टू इच अदर। टेंशन का सिंबल ऐसा क्यों रहता मालूम, क्यों रहता, क्योंकि ब्लॉक जो स्ट्रिंग है ना नीचे वाले ब्लॉक पे ऊपर लगा रही फोर्स और ऊपर वाले फिक्स सरफेस पे नीचे लगा, समझ गए, मतलब स्ट्रिंग जो है ना अपनी तरफ खींचती ऊपर वाले को और नीचे वाले, तो स्ट्रिंग जो टेंशन रहता, टेंशन का सिंबल इज एरोस फेसिंग ईच अदर, नॉर्मल रिएक्शन का सिंबल क्या है, एरोस अवे फ्रॉम ईच अदर, समझ गए। अच्छा तो ये टेंशन है, तो अच्छा मेरे को ये बोलो अब न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता, फिर से बोलो, एफ इज इक्वल टू एम ए और ये एफ नेट है, एफ नेट है। अच्छा दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट, दिस ब्लॉक इज एट, दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट, दैट इज वेलोसिटी इज जीरो एंड डजेंट चेंज विथ टाइम, डजेंट चेंज विथ टाइम। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो ए क्या है, जीरो है, ए इज जीरो, ए इक्वल्स टू जीरो। इफ ए इक्वल्स टू जीरो देन देन एफ नेट, देन एफ नेट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, एफ नेट भी जीरो हो गया, तो एफ नेट जीरो हो गया, तो एफ नेट क्या है, बट वॉट इज एफ नेट, टेंशन ऊपर की तरफ एम जी नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, तो टी माइनस एम जी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, देयर फोर टी इक्वल्स टू एम जी, टी इक्वल्स टू एम जी, समझ में आया। अगर कोई ब्लॉक हैंग हो रहा जिसका मास एम है तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना आता, एम जी आता, कितना आता, एम जी आता, आता नहीं आता, क्लियर, क्लियर है। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बताता हूँ, देखेंगे कैसा करना, ठीक है, क्लियर। अगर एक फिक्स सरफेस है, फिक्स सरफेस है और स्ट्रिंग ऐसे टाई करे, ऐसे कितने स्ट्रिंग्स है यहाँ पे, तीन स्ट्रिंग्स है बराबर, और इस पे ब्लॉक है, इसका मास एम है, थोड़ा छोटा कर देंगे इसे, इसका मास एम है, तीन अलग अलग स्ट्रिंग है, साइज नहीं दिया, एंगल देता है यहाँ पे, देखो इक्वल क्या जी, आइसोसिलस नहीं है बोल रहे हैं, इक्वल ट्रल नहीं है, नहीं नहीं है, वही दे रहा हूँ, देखो ये 30 degrees है और ये 60 degrees है, तो ये कितना रहता, ऐसा मालूम, ये 90 degrees है, समझ गए, क्लियर। अब देखो एक चीज याद रखो, जितने एक स्ट्रिंग में टेंशन एक ही रहता,
अगर स्ट्रिंग अलग अलग है तो दोनों में टेंशन अलग अलग रह सकता, समझ गए? मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में टेंशन एक पर्टिकुलर वैल्यू रहती, दूसरे स्ट्रिंग में कुछ उसकी पर्टिकुलर वैल्यू रहती, तीसरे स्ट्रिंग में उसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू रहती नहीं रहती, समझ गए? अब मैं ये तीन स्ट्रिंग, अच्छा स्ट्रिंग्स के नाम दे देंगे हम लोग इसको, स्ट्रिंग ए ले, हाँ ओके वेरी गुड, क्या अम्मा T1 T2 T3, तो इसमें टेंशन T1 है, इसमें टेंशन कितना है T1, टेंशन कैसा लिखते हैं, फेसिंग ईच अदर, तो ये T1 है, इसमें क्या लेंगे, इसमें T2 लेंगे, ठीक है? इसमें T3 ले लेंगे, ठीक है? T1, T2 एंड T3, समझ गए? तीन टेंशन है, T1 है, T2 है और T3 है, ये तीनों में से एक इजीली फाइंड कर सकते हैं आप, T1, क्यों? इस पे नीचे वेट कितना ऐड करता, Mg ऐड करता, और T1 एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो T1 इज इक्वल टू Mg, वो क्लियर है। क्यों T1 इक्वल टू Mg? क्योंकि ब्लॉक ना नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो रहना, इसका मतलब क्या, ऊपर जितना फोर्स लग रहा है नीचे भी उतना ही लगना, या नीचे जितना लग रहा ऊपर भी उतना ही लगना, नीचे Mg लग रहा तो ऊपर भी Mg लगना, तो T1 इज इक्वल टू Mg, ये इजी है। अब क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड T2 एंड T3, T2 एंड T3 कैसा फाइंड करते, नहीं आता करने, समझ गए? अभी तक तो जितना आता आप लोगों को उससे नहीं कर सकते, ठीक है? मगर एक्चुअली अगर वेक्टर्स अच्छा आता आपको तो वेक्टर्स यूज करके कर सकते, मगर थोड़ा लंबा होता मेथड, मैं बताता हूँ वेक्टर्स यूज करके कैसा करना, मैं बताता हूँ। ये जो T2 है ना, T2 के दो कॉम्पोनेंट्स निकाल सकते हैं और T3 के भी दो कॉम्पोनेंट निकाल सकते, कैसा निकाल सकते, देखो ये जो T2 है क्या है अम्मा, T2 टेंशन है ना, तो T2 ये है, तो T2 के दो कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, क्या है दो कंपोनेंट्स बोलो जल्दी बोलो, अच्छा थीटा का है इसका 30 इधर है ना, तो ये 30 हो गया, तो ये भी 30 हो जाता, हाँ T2 cos 30 और T2 sin 30 इधर, T2 नहीं, हाँ T2 इच, हाँ T2 sin 30 बराबर, क्यों ये 30 डिग्रीज रहा तो ये भी 30 डिग्रीज रहता, समझ में आई बात? ये अगर 30 डिग्रीज रहा तो ये भी 30 डिग्री, कैसा मालूम अम्मा? अब्बा हाँ बोलो, ऑपोजिट ऑन द सेम, हाँ क्या बोलते हैं उसका नाम क्या है, अल्टरनेटिंग एंगल्स बोलते, क्या बोलते हैं, समझ गए, अल्टरनेटिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स, ये स्कूल में पढ़े होंगे ना, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, एक्सटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, हाँ अच्छा वैसी जो है ना दूसरे वाले का भी निकाल सकते आप, दूसरा वाला क्या है ये, ये T3 है, T3 कैसा है, ऐसा है दिख रहा, तो T3 के भी दो कंपोनेंट्स निकाल सकते, एक T3 cos 60 और T3 sin 60, समझ गए? अब देखो ये जो T2 cos 30 है और T3 cos 60 है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लो, समझ में आई बात? देखो ये जो पॉइंट दिख रहा आपको, ये जंक्शन दिख रहा, ये जंक्शन पे मास क्या है, जीरो, ये जंक्शन पे तीनों फोर्स लगा रहे ना भाई ऐसा, तो मास जीरो है ना, तो F इज इक्वल टू MA होता ना, M तो जीरो है,
तो एफ बी जीरो रहना ना, इसका मतलब इस जंक्शन पे नेट फोर्स जीरो रहना, मतलब हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स भी जीरो रहना, वर्टिकल नेट फोर्स भी जीरो रहना, रहना नहीं रहना? हाँ बोलो बोलो क्या? तो हॉरिजॉन्टली बैलेंस करना और वर्टिकली बैलेंस करना, तो हॉरिजॉन्टली बैलेंस करके बताओ टी टू, तो हॉरिजॉन्टल सो द पॉइंट, पॉइंट पी बोल के बोलेंगे इसको, ये पॉइंट पी बोल के बोलेंगे, एट पॉइंट पी, बोलो अम्मा एट पॉइंट पी मास इज जीरो, देयरफॉर एफ मस्ट बी जीरो, एफ नेट मस्ट बी जीरो, व्हाई? सेकेंड लॉ क्या बोलता? एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए बोलता ना, तो एम जीरो एफ ऑल्सो जीरो, समझ गए? एम इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाइज एफ इक्वल्स टू जीरो, समझ में आई बात? तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स मस्ट बी जीरो, तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या आता जल्दी बोलो? टी थ्री कॉस 60 माइनस टी टू कॉस 30, समझ में आया? राइट का पॉजिटिव लो, लेफ्ट का नेगेटिव लो, बोलो जल्दी बोलो, टी थ्री कॉस 30 माइनस टी टू कॉस 60, ये जीरो होना, ओके ओके ओके, टी थ्री कॉस, बोलो टी थ्री कॉस 60 डिग्री, टी टू कॉस, समझ में आया? तो क्या आता अम्मा इसका कंक्लूजन बोलो? कॉस 60 क्या होता जल्दी बोलो? 1/2, वो माइनस उधर चले गया तो प्लस हो जाता, रूट 3/2, समझ में आया? तो दोनों में रिलेशन क्या आया? तो टी थ्री इज इक्वल टू रूट थ्री टी टू आया, समझ में आया? टी थ्री इज इक्वल टू रूट थ्री टी टू आ गया, एक इक्वेशन आ गया। अब वर्टिकली करेंगे, नेट वर्टिकल मस्ट बी जीरो, समझ में आया? तो बोलो वर्टिकल फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं? देखो टी टू साइन 30 ऊपर लग रहा, टी थ्री साइन 60 भी ऊपर लग रहा, टी टू साइन 30 भी ऊपर लग रहा, टी थ्री साइन 60 नीचे, टी वन लग रहा, दिख रहा नीचे टी वन, पॉइंट पी पे नीचे टी वन लग रहा, समझ गए? तो क्या लिखते जल्दी बोलो? टी टू पर टी वन ऑलरेडी फाइंड करे ना, कितना है एम जी? हाँ बोलो जल्दी बोलो, हाँ बोलो, एक मिनट प्रॉब्लम, हाँ बोलो, टी थ्री टी वन उधर ले ले रहा हूँ, मगर टी वन ऑलरेडी फाइंड करे, कितना है एम जी है नहीं है? तो क्या आता बोलो? बोलो अम्मा एम जी भाई कैसा है? टू समझ में आया? ये दूसरा इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन यूज करो आंसर आ जाता। तो अभी ऑलरेडी मालूम था अपने को कि टी थ्री इज रूट थ्री टी टू, टी थ्री इज रूट थ्री टी टू, तो क्या हो जाता बोलो?
root 3 d2. प्लस सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या है इसकी वैल्यू, क्या है इसकी वैल्यू, रूट थ्री टी टू इज इक्वल टू 2 mg. तो टी टू इक्वल टू क्या होता, 2√3 d2. टी टू इक्वल टू क्या था, mg बाय रूट थ्री आ गया. तो टी थ्री भी आ गया. टी थ्री क्या है, टी थ्री क्या है, रूट थ्री टी टू है, विच इज इक्वल टू एम जी. कैसा, 3√3√3 कैंसिल हो जाता, समझ गए. तो ये भी आ गया आपको, क्या आ गया, टी थ्री इक्वल्स टू एम जी. समझ में आया. मगर एक्चुअली एक और छोटा शॉर्टकट है ये करने का, वो कल बताता हूँ मैं, ठीक है. क्या ये भी एक तरीका है करने का, मगर एक शॉर्टकट है. मतलब ये प्रॉब्लम को अगर जल्दी आंसर आना है तो एक शॉर्टकट है. वो शॉर्टकट का जो मेथड है, वो मेथड को बोलते हैं लैमिस थ्योरम. लैमिस थ्योरम का प्रूफ कर लेता हूँ और कैसा यूज करना वो भी कल बताता हूँ, ठीक है. हाँ कहाँ पे, टू टू कैंसिल हो गया. हाँ और ऊपर, कहाँ पे, यहाँ पे 5 2 उधर मल्टीप्लाई हो गया, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो गया. यहाँ पे पूछ रहे ना, ये वाला पूछ रहे ना, ये वाला पूछ रहे कहाँ पे, ये हाँ है या बाय टू है, तो यहाँ पे बाय टू लिख सकते हैं ना, ये फिर ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया. हाँ कट नहीं करे, उधर उधर लेके चले, इधर लेके, समझ गया, ठीक है, क्लियर, ठीक है ना. कल मैं लैमिस थ्योरम का प्रूफ बताता हूँ, उसके बाद कैसा यूज करना मैं बोलता हूँ, ठीक है.